लोकसभा का हो या विधानसभा का, क्षेत्रीय पार्टियों ने जातीय वोट बैंक को साधकर लंबे समय तक राज्यों की सत्ता पर राज किया और केंद्र में भी सत्ता की साझेदार रही। अब की बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी क्षेत्रीय क्षत्रपों को इन्हीं की सियासी चाल से मात देने की रणनीति बना दी। इसमें प्रमुख भूमिका में एमपी के सीएम मोहन यादव नजर आ रहे हैं। कैसे, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, यादव समाज से आने वाला बीजेपी का ओबीसी चेहरा, मोहन यादव के चेहरे के सहारे पार्टी मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेश के ओबीसी वोटर्स को भी साधने की कोशिश में जुटी है। जनवरी में मोहन यादव ने बिहार का दौरा किया, उसके बाद फरवरी में उत्तर प्रदेश के दौरे पर वे गए और अब तेलंगाना का दौरा। मोहन यादव के हैदराबाद दौरे से यहाँ के ओबीसी वोटर्स में बैठ की कवायद है। कांग्रेस कह रही है जाति की राजनीति से परहेज का दावा करने वाली पार्टी जातीय समीकरण साध रही है। राजनीति करती है और उसका दिखावा भी करती है। धर्म में भी हम देखते हैं, कभी राजनीति को नहीं लाना चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर भी करती है, जातियों के नाम पर भी करती है। कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दों की राजनीति करती है, उसने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करी, ना ही जातिवाद की ऐसी कोई बात करी। हम बोलते हैं जातिगत जनगणना करवाइए तो जातिगत जनगणना पर चुप हो जाती है, बातों को घुमाती है। लेकिन पिछले दिनों यूपी के दौरे पर गए सीएम मोहन यादव ऐसी बातों से इनकार कर रहे हैं। आजमगढ़ के दौरे पर गए मोहन यादव ने कहा कि 400 साल पहले यहीं से उनके पूर्वज एमपी गए थे। हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तो पूरे देश को लीड कर रहा है। अयोध्या के बाद जिस प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके कर्तृत्व से जनता ने न केवल उनका दिल जीता है बल्कि सभी प्रकार के विकास की संभावनाओं के प्रतिमान बनके नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सबके सामने आया है। इसलिए पूरे देश की लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी के मतदाता सब तय कर चुके हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। ये बात किसी से छिपी नहीं कि दशकों तक आजमगढ़ क्षेत्र की 5 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। पूर्वांचल में MY यानी कि मुस्लिम यादव वोटों के गठजोड़ से समाजवादी पार्टी को लंबे वक्त तक सत्ता हासिल होती रही। कुछ ऐसा ही बिहार में लालू यादव ने किया। उधर बीजेपी का कहना है कि वंशवाद और जातिवाद की राजनीतिक बुनियाद पर सत्ता सुख लेने वाली विरोधी पार्टियां हैं। बीजेपी में प्रतिभा को सम्मान दिया जाता है। जाति के आधार पर, पंथ समाज के आधार पर बांटने का काम, ये काम कांग्रेस पार्टी का है। भाजपा तो समावेशी भाजपा है, सर्वस्पर्शी भाजपा है, सबको साथ देकर चलने वाली भाजपा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही हमारा मंत्र। इस साल होने वाले सत्ता के महासंग्राम के लिए तमाम पार्टियां अपने अपने मजबूत सियासी समीकरण के सहारे एक बार फिर से मैदान मारने की कोशिश में जुटी हुई हैं और बीजेपी विपक्षियों की इसी रणनीति को ध्वस्त करने के लिए वही चाल चल रही है।